हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। मैं अमिता, मेरे यूट्यूब चैनल अमिताज किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, दिवाली है तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मालपुए की रेसिपी, जो बनानी बहुत ही आसान है और बनते भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। तो चलिए आज मैं आपके साथ मालपुए की रेसिपी शेयर करती हूँ और इस त्यौहार पर आप मालपुए बना ही डालिए। चलिए हम मालपुए बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम आटे के मालपुए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, जिस भी चीज़ से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, कप से या मेजरिंग बाउल से, तो उसी हिसाब से आप सारे मेजरमेंट रखिएगा। ये देखिए, मैंने एक कप आटा लिया है और 1/4 कप सूजी ली है। सूजी महीन वाली लेनी है। अगर आपकी मोटी सूजी है तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला लीजिए 1 मिनट, और ये बिल्कुल देखिए महीन हो गई है। मैंने भी इसको चलाया, मेरे पास भी मोटी सूजी थी। अब ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं। देखिए, मैंने 1 कप आटा डाला, अब 1/4 कप सूजी डाली है। अब इसके बाद हमने इसमें डालना है, देखिए, अराउंड 1.5 से 2 कप दूध लगेगा। आप डिपेंड करता है कि आप कितना लग रहा है। तो चलिए मैं दूध डालना स्टार्ट करती हूँ। इसमें ये नहीं है कि दूध फुल फैटनिंग मिल्क लेना है, कुछ नहीं, कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल हो, काउ मिल्क हो, कोई भी हो, आप वो डाल सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। थोड़ा सा डाला, मिक्स करते जाएंगे, फिर डाल देंगे। इसी तरीके से ये देखिए अब भुनना स्टार्ट हो गया। देखिए बीच में इसमें फंस जाता है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद दूध थोड़ा सा और डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, बेटर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हम इसको, अभी हमें ठीक लग रहा है बैटर, बस अब इसको अच्छे से हम कर लेते हैं विस्कर से, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है कि सब कुछ मिक्स हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं। इसमें देखिए मैं डालूंगी, इसमें ये देखिए 1/4 कप सौंफ का पाउडर है, ये डालेंगे इसमें। 1/4 कप पिसी हुई कूटी हुई छोटी इलायची है, मैंने कूटी है, और इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून मलाई। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, मैंने पर मलाई यूज करी है। अब इसको बस हमने अच्छे से 1 मिनट के लिए इसको, चलिए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस सब कुछ एक स्मूथ पेस्ट बनाना है हमने। देखिए मैंने इसको 1 मिनट अच्छे से विस्कर से कर लिया है, अच्छे से। अब देखिए, अब इसको हमने ढक के रख देना है। दूध अभी मेरा थोड़ा सा बचा है, मैंने छोटे 2 कप दूध लिए थे, तो जितना बाद में हमें और ज़रूरत होगी तो वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें सूजी डाली है, सूजी थोड़ा सा फूलेगी। तो चलिए अब हमारा ये हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं करीब 15 से 20 मिनट के लिए, और तब तक हम टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं। हम चलिए तब तक चाशनी बना लेते हैं। इसको हमने कवर कर दिया 15 से 20 मिनट के लिए, इसको छोड़ देते हैं, सूजी को फूलने देते हैं। चलिए अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप पानी, 2 कप पानी डालेंगे, जिस भी मेजरमेंट से, जिससे मेजरिंग बाउल से आप कर रहे हैं, और उसमें 1 कप भर के डाल देंगे शुगर, और इसको हमने एक अच्छे से उबाला देना है। इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे शुगर को, और इसके बाद इसको स्टिर करते हैं और इसको एक अच्छे से उबाला देना है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, चीनी देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गई है अच्छे से, ये देखिए। बस इस स्टेज तक हमने करना है इसमें। चलिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे
देखिए कुटी हुई इलायची दोबारा से डालेंगे इस बार हम हाफ टी स्पून डालेंगे भर के। थोड़ा केसर के ये धागे डाल देंगे 10 से 12। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई टेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा केसर वाला रंग आ जाता है। अगर नहीं है तो बाकी चीज़ें डालिए, इसको स्किप कर दीजिए। अब हम इसको पकाएंगे, करीब 3 से 4 मिनट तो हमें चाशनी को पकाने में लग जाएंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे करते हैं चाशनी को। चलिए फिर हम 2 मिनट करते हैं, उसके बाद चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। नहीं अभी नहीं हुआ है हमारा, अभी इसको कम से कम 2-3 मिनट, मैंने आपको बोला था ना 4 से 5 मिनट लगते हैं, तो 2 मिनट हम इसको और कर लेते हैं। समझ लीजिए कि हमने टोटल अब 4 मिनट इसको करना है। 2 मिनट हम कर चुके हैं तो 2 मिनट और इसको पका लेते हैं चाशनी को। देखिए अब मैंने 3 मिनट इसको और कर लिया है, टोटल हो गया है 5 मिनट, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। देखिए केसर मैंने क्यों डाला अब आपको समझ आएगा ना, इसका रंग ही हो जाता है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट भी बढ़ाता ही है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए आपको ये चिपचिपा तार तो नहीं बनेगी, आपको पता है हमने तार की चाशनी तो बनानी नहीं है, पर आप इसको छुएंगे ये देखिए बहुत चिपचिपा खींचता हुआ आपको फील होगा, तो डैट मीन्स ये आपकी चाशनी हो गई है। अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को और चाशनी को हम रख देते हैं साइड में पीछे। और चलिए अब हम बैटर देख लेते हैं कि हमारा बैटर ठीक हो गया है या उसको थोड़ा पतला करना है। चलिए हम चेक कर लेते हैं, चाशनी के नीचे की मैंने गैस ऑफ कर दी है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 15 से 20 मिनट हो गए, इसको हमने छोड़ दिया था, ये काफ़ी अभी थिक है, हमें इसमें दूध की ज़रूरत है डालने की। और जो 2 छोटे कप लिए थे मैंने उसमें से इतना बचा था, पहले मैं ये डाल के देख लेती हूँ, अगर लगेगा तो हम दूध और ऐड कर देंगे इसमें। मेरे को तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है कंसिस्टेंसी, अब और ज़रूरत नहीं है दूध डालने की। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, 2 कप दूध डाला है मैंने इसमें। चलिए अब हम मालपुए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी चाशनी बन गई है, ये बैटर तैयार हो गया है, अब हमने बस मालपुए चलिए शुरू करते हैं बनाना। देखिए मालपुए बनाने के लिए मैंने पैन लिया, देखिए इसका फ्लैट सरफेस है काफ़ी, तो अब हम इसमें आप किस में तलना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर है, अगर आप रिफाइंड में बना तलना चाह रहे हैं या घी में। देखिए मैं तो घी यूज़ कर रही हूँ, घी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इसको हम, क्योंकि मालपुए का मज़ा देसी घी में ही आता है। इसको चलिए मेल्ट हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अराउंड कितना घी पड़ा है। इसको तो अभी हाई फ्लेम पे मेल्ट कर लेते हैं हम लोग, इसको फिर बनाएंगे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि वो अंदर से भी पक जाए मालपुए। पहले एक बार हम ऑयल गरम कर लेते हैं मेल्ट करके, ऑयल मेल्ट हो गया आप देख रहे होंगे अराउंड, देखिए कितना है, मैंने इतना ही डाला है, तरह से आप कह सकते हैं शेलो फ्राई के लिए इस तरीके से इतना ही ऑयल डालना है, देसी घी डालना है जिसमें आप डालना चाहें। अब ये देखिए अच्छे से इसको गर्म कर लेना है, उसके बाद हम मालपुए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऑयल गर्म हो गया है, ये देखिए पैन है, अब मैं इस वाले से जो मीडियम साइज़ की है, अब आपको बड़े बड़े बनाने हैं तो डालने के लिए बड़ा टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं, मैंने मीडियम साइज़ के बनाने हैं तो मैं यही यूज़ कर रहा। अब इसमें क्या करना है, 1 कप भर लेना है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा 1 ऊपर तक पूरा भर लेना है, और इसके बाद ऊपर से इसको देखिए यूँ डालते जाना है, ये अपने आप शेप लेता जाएगा। इसको तलना मीडियम फ्लेम पे है और हिलाना नहीं है शुरू में इसको बिल्कुल भी,
क्योंकि जब अगर ये एकदम से बहुत तेज ऑयल होगा, गरम होगा, तो ये बिल्कुल जलने लग जाएंगे। और इसको हमने पलटना भी कैसे है, जब एक साइड से आपको देखे साइड से बिल्कुल ब्राउन हो गया है, क्रिस्प हो गया है, तो पलटना है इसको। देखिए आपको दिख रहा होगा ये साइड से, ये देखिए चिमटे से पलट लीजिएगा, बहुत इजीली पलट जाएंगे। ये देखिए इधर से पलट दिया, ये देखिए वाला भी इधर से पलट दिया। अब इसके बाद हमारे पास जगह है तो अब हम और बना लेते हैं साइड में, एक बार में चार तो ईजिली बन जाएंगे। एक बार में चार मालपुए बन जाएंगे अगर आप इस साइज के बनाएंगे, अगर आप बड़े बनाते हैं तो एक बार में दो बन जाएंगे। अब इट डिपेंड्स कि आप क्या साइज बनाना चाहते हैं। ये साइज वैसे परफेक्ट होता है मालपुओं का, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे। देखिए आप चिमटा ही यूज करिएगा, बहुत इजीली आप उसको पलट सकते हैं। चलिए इनको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, वो वाले उस साइड से हो रहे हैं जो पलटे थे हमने, और ये वाले जरा से साइड से ब्राउन हो जाए। मैंने स्लो फ्लेम पे किया होता, अब इस टाइम पे मैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे करूँगी, हाई बिल्कुल मत करिएगा इनको, और अच्छा क्रिस्प करना है। अब हम दोनों मालपुओं को देख सकें, ये देखिए ये वाले एक बार हम पलट चुके थे, ये देखिए पीछे से कितने बढ़िया, हमें ऐसे ही करने हैं, मालपुए का मज़ा तभी है। ये वाले भी हम पलट देते, चिमटे से कितने अच्छे से पलटते हैं, ये देखिए केसर डाला उसकी वजह से इनका रंग भी इतना अच्छा आ रहा है ना। चलिए अब इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेते, क्रिस्प कर लेते, फिर निकालते हैं इनको। अब इनको हम चेक कर लेते हैं इसको, फिर ये देखिए इस साइड से हल्का सा, और ये देखिए इधर से परफेक्ट हो गए। ये देखिए हमने ऐसे कर लें, लगभग ये वाले तो हमारे हो ही गए बिल्कुल। चलिए इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट पे, और एक बार अभी हम और कर लेते हैं, फिर हम चाशनी में डालेंगे इनको, क्योंकि चाशनी में डालने के बाद आप कोशिश करिए कि गरम गरम सर्व कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए अब चाशनी में जब डालेंगे तो चाशनी भी थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए, ठंडी चाशनी में हमने इनको नहीं डालना है। ये देखिए हमारे कितने अच्छे निकल आए हैं। अब हम इसके बाद चलिए बाकी एक लॉट और डाल लेते हैं, लॉट और डाल के दिखा देती हूँ आपको एक बारी। देखिए खुद ही फैलता जाएगा, आप ऊपर से डालिए। अभी मैं तीन ही डालती हूँ, जरा सा एक साइड में हो जाएगा तो फिर मैं एक और डाल दूंगी। इसमें मीडियम फ्लेम पे था, मैंने अब स्लो फ्लेम पे कर दिया इसको, और उसी तरीके से हम इसको चलिए पका लेते हैं जैसे पहले वाला फ्राई किया था। देखिए इस वाले को मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ, अब एक और डालने की जगह है। ये देखिए आप ऊपर से डालिए, देखिए आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में इसमें चार बन जा रहे हैं। और ये वाले देखिए साइड से होने लगे, इनको हम पलट देते हैं। ये देखिए आपको साइड से ही पता चल जाएगा, जब पलट जाएंगे तब अंदर से पक जाएंगे ना, तो पलटने में टूटेंगे भी नहीं, कच्चे आप पलटेंगे तो वो टूट भी जाएगा। ये देखिए कितने बढ़िया मालपुए बन रहे हैं, फटाफट बनाने भी आसान। तो आप इस दिवाली या भैया दूज जिस दिन आपका मन हो बना डालिए फटाफट, और दोनों ही बहुत ही अच्छे मौके हैं। और देखिए बनाना भी बहुत ही आसान है, और बनते भी टेस्टी हैं, और घर की बनी हुई चीज़ की तो बात ही फ़र्क होती है, अगला आप खाने वाले भी बहुत खुश होते हैं। तो चलिए अब हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं उसी तरीके से, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ चाशनी में कैसे डालना है। ये देखिए जो हमने तीन पहले डाले थे वो हमारे दोनों तरफ से देखिए कितने क्रिस्प और कितने टेस्टी हो गए। ये देखिए इनको हम निकाल लेते हैं, और इसके बाद वो वाला हमारा हो रहा है जो हमने लास्ट में डाला था, इनको भी हम देखिए प्लेट में निकाल लिया हमने। ये देखिए ये वाला हम पलट देते हैं, बस इस वाले को भी निकाल लेते हैं। अब मैं इतने आपको चाशनी में डाल के दिखा देती हूँ। देखिए हमारे मालपुए तो तल गए हैं, और ये देखिए चाशनी है ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसको बहुत गर्म नहीं करना चाशनी को, पर बिल्कुल ठंडी में भी नहीं डालना,
तो हल्का सा गुनगुना हम एक मिनट के लिए कर लेंगे, बिल्कुल एक मिनट भी नहीं, मानिए 30 सेकेंड्स के लिए इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है चाशनी को। उसके बाद हम इसमें मालपुए डालेंगे। देखिए हमने चाशनी को 30 सेकेंड्स के लिए ही गर्म करा था, बिल्कुल गुनगुना करा है। अब उसके बाद हम इसमें ये डाल देंगे जो मालपुए तले हुए थे। इसको हम 3 से 4 मिनट तक इसमें पड़े रहने देंगे चाशनी में, और इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे, थोड़ा सा चिमटे से ही करेंगे क्योंकि चिमटे से सब, अभी तो पहले इसी साइड से कर देते हैं ऊपर नीचे। तो हम 1 मिनट इसके ऐसे पड़े रहते हैं, इसके बाद हम पलट लेंगे, ज़्यादा नहीं रखना। और एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाह रही थी, जैसे इलायची मैंने कूट के डाली है, कोई कुटी इलायची नहीं खाता, दाने बच्चों के मुंह में आते हैं, तो जब आप जो चीनी डाल रहे हैं ना, इसमें 1 कप चीनी डाली थी, उस चीनी में इलायची डाल के 5 से 6 इलायची के बीज निकाल के आप मिक्सर ग्राइंडर में चला लीजिए। चीनी के साथ इलायची हमेशा बहुत अच्छे से पिस जाती है, पर चीनी भी इसी में पानी में पिसी हुई डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इलायची जिससे अच्छे से पिस जाएगी और वो दाने मुंह में नहीं आएंगे। मुझे कुटी हुई बहुत अच्छी लगती है देखने में भी, खाने में भी, तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे छोटी इलायची डालना चाहें डालिएगा। चलिए इसको हम 2 मिनट के लिए 1 से 1.5 मिनट रख के छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको हम पलट देंगे। ये एक साइड से हो गया, 1.5 मिनट हमने इसको कर लिया, अब हम पलट देते हैं इस तरीके से। कोशिश करिए कि मालपुए जो गरम गरम चाशनी में डालें, निकालें और सर्व करें, ये तो मालपुए मुलायम हो जाते हैं। इसको इसी तरह सारे हम पलट लेते हैं, देखिए, और इसी तरह 1 से 1.5 मिनट अब हम इनको इधर से पलट के छोड़ देते हैं। चलिए फिर हमारे मालपुए हम सर्व करते हैं। देखिए दूसरे साइड से भी 1.5 मिनट हमने इसको रख के छोड़ दिया था, अब हमारे मालपुए खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, अब हम इनको सर्व कर देते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, मालपुए खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, इनको बनाइएगा ज़रूर इस बारी या दीपावली पे या भाई दूज पे, और बताइएगा आप लोगों के कैसे बने, क्योंकि दिवाली है तो कुछ ना कुछ बन मीठा बनाना तो बनता है, और भाई दूज पे भी, इसलिए आपको जैसा कन्वीनियंट हो आप उस दिन बनाइए और सबको बनाकर खिलाइए। क्योंकि खाने से पहले सबने सोचना नहीं है, क्योंकि ये मैदे के मालपुए नहीं, आटे और सूजी के मालपुए हैं, तो हेल्दी भी हो गए, तो खाने से पहले आप भी नहीं सोचेंगे और कोई भी नहीं सोचेगा, और इतने यम्मी बनेंगे ना, सबको खिलाइए गरम गरम, तो सबका दिल खुश हो जाएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली, फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।